हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4.2 इंश्योरेंस। अभी तक हमने पढ़ा बिजनेस सर्विसेज के अंदर बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग क्या है, बैंकिंग बैंक्स के टाइप कौन कौन से हैं, फंक्शन कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आपका इंश्योरेंस। बिजनेस सर्विस के अंदर नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस सेक्टर या इंश्योरेंस सर्विसेज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है। तो बेटा जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस मतलब इट रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, इन विच या वेहर वन पार्टी टेक्स द, जिसमें एक पार्टी क्या करती है, टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क ऑफ अनदर पार्टी। एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को जो भी नुकसान है, जो भी जोखिम है, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर वहन करती है। क्यों करती है, अगेंस्ट सम फिक्स्ड मॉनेटरी कंसिडरेशन। इंश्योरेंस क्या है बेटा, ये दो पार्टियों के बीच में होने वाला एक एग्रीमेंट होता है, जिसके अंतर्गत एक पार्टी एक निश्चित रकम के बदले में कि अगर आप मुझे इतनी रकम पे करते हैं, तो भविष्य में अगर इस प्रकार का आपको कोई लॉस हुआ, एक स्पेसिफिक वजह से आपको कोई नुकसान हुआ, तो उस नुकसान को हम वहन करेंगे, उस नुकसान को, उस जोखिम से होने वाले नुकसान को हम वहन करेंगे, उसकी भरपाई हम आपको करके देंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस। जैसे हम सपोज करें हमारे पास वो गाड़ी है, गाड़ी चोरी हो गई, चोरी हो गई, मान लो हमने गाड़ी खरीदी 5 लाख की, गाड़ी चोरी हो गई, इसका मतलब क्या है, हमें 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हमने क्या किया, कोई एक दूसरे व्यक्ति को या कोई दूसरी कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपको 20 हज़ार रुपये देने को तैयार हैं, बदले में अगर चोरी, गाड़ी की चोरी होती है कभी, तो वो जो नुकसान है उसकी भरपाई उस दूसरी कंपनी को करनी पड़ेगी जिस, जो हमसे 20 हज़ार रुपये ले रही है। क्या बोलेंगे उसको हम, इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कि ये वो एग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत कोई भी एक पार्टी एक निश्चित रकम के बदले में भविष्य में अगर किसी निश्चित वजह से किसी भी दूसरी पार्टी को कोई नुकसान होता है, तो उस होने वाले नुकसान की भरपाई वो दूसरी पार्टी जो पैसा चार्ज कर रही है उसको ही करनी पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें बेटा दो पार्टियां होती है आपकी, एक इंश्योरर और दूसरा इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन होता है बेटा, जो व्यक्ति एक निश्चित रकम के बदले में अपने जोखिम को टाल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड। और इंश्योरर क्या होता है, जो व्यक्ति एक निश्चित रकम के बदले में किसी दूसरे व्यक्ति का निजी तौर पर उसे किसी संपत्ति का जोखिम लेने को तैयार हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंश्योरर। क्लियर है बेटा। इसके बाद क्या आता है, इसमें एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है, कि इसमें जो ड्यूरेशन होती है वो एक निश्चित समय के लिए होती है, यानी कि मान लो एक निश्चित रकम है, उसमें अगले 1 साल तक या अगले 2 साल तक जो भी नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई हम करेंगे। तो ये समय बाउंड एग्रीमेंट होता है कि इस समय अवधि के अंदर इस रकम के बदले में, इस समय अवधि में अगर नुकसान हुआ तो हम जोखिम वहन करेंगे, अगर इस आपको कोई नुकसान नहीं हुआ फिर हम उस अवधि के बाद को नुकसान होता है, या फिर इस समय अवधि के अंदर आपको कोई नुकसान नहीं हुआ तो फिर उस रकम पे आपको कोई अधिकार नहीं होगा, वो रकम जो हमने पे की थी इंश्योरर को, वो रकम उसी के पास ही रह जाती है। क्लियर है। इसके बाद आता है बेटा इसके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी, ऑफ इंश्योरेंस, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस
जो सेक्टर है उसके अंदर कौन कौन से टर्म्स हैं जिसका अक्सर इस्तेमाल होता है, कौन कौन से टर्म्स होते हैं बेटा इसके अंदर। सबसे पहले होता है इंश्योरर, सेकंड इंश्योर्ड, इंश्योरर इंश्योर्ड, थर्ड प्रीमियम, फोर्थ वन इज पॉलिसी, एंड फिफ्थ वन इज सम एश्योर्ड। बेसिकली पांच टर्म्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर यूज होती है। सबसे पहले इंश्योरर, इंश्योरर क्या होता है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या वो पार्टी जो एक निश्चित रकम के बदले में दूसरी पार्टी का जोखिम लेने के लिए तैयार होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंश्योरर। ठीक है, इंश्योरर क्या है, इट रेफर्स टू दैट पार्टी और कंपनी हु डज द इंश्योरेंस या हु बियर द रिस्क ऑफ अदर पार्टी, उसे हम क्या बोलते हैं, इंश्योरर। इट रेफर्स टू दैट पार्टी हु डज द इंश्योरेंस और हु टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क, क्या बोलेंगे इसको, इंश्योरर। ये क्या होता है, जनरली जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन सभी को किसके अंदर लेते हैं हम, इंश्योरर के अंदर। सेकंड है इसके अंदर इंश्योर्ड, इंश्योर्ड क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट पार्टी हुज इंश्योरेंस हैज बीन डन, जिस पार्टी का या जिस पार्टी का हमने इंश्योरेंस किया है, जिस पार्टी का जोखिम हमने वहन किया है, जिस पार्टी ने एक निश्चित रकम के बदले में अपने जोखिम का हस्तांतरण किया, उसका ट्रांसफर किया है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड। जिस व्यक्ति का या जिस व्यक्ति की संपत्ति का बीमा किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड। थर्ड आता है बेटा प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है, जिस रकम के बदले में इंश्योरर ने इंश्योर का इंश्योरेंस किया है, जिस रकम के बदले में, ये वो फीस होती है जो इंश्योर्ड के थ्रू पे की जाती है इंश्योरर को अगेंस्ट द रिस्क या अगेंस्ट द ट्रांसफर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क, रिस्क या जोखिम का ट्रांसफर करने के लिए जो रकम हमने इंश्योरेंस कंपनी को पे की है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम या सिर्फ प्रीमियम। नेक्स्ट सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट अमाउंट, ये वो अमाउंट होती है फॉर विच द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन, कि नुकसान होने की सूरत में किस सीमा तक, कौन सी किस रकम की या कितने अमाउंट तक का जो नुकसान है वो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर के द्वारा बियर किया जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड। नुकसान होने पर कुल कितना, अधिकतम कितना जो नुकसान है वो कवर किया जाना है उसे हम क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड। जिस रकम को पाने के लिए बीमा करवाया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड। नुकसान होने की सूरत में जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड का कितना जोखिम बियर करेगा, उसको कितने का क्लेम पे करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड। और फोर्थ आता है बेटा, तो फिर होता है इसमें पॉलिसी, पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, किसी भी इंश्योरेंस जो होते हैं एग्रीमेंट होता है उसके जो भी हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंतर्गत सारी जो भी इंश्योरेंस है उसके सारी टर्म्स और कंडीशन को मेंशन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी। ये क्या होता है कि इट रेफर्स टू दैट डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर मेंशन, क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बेटा फीचर्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द जर्नल फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के जर्नल फीचर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। तो बेटा वैसे तो इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम इसमें कुछ फीचर्स को कंसिडर करते हैं, कौन कौन से, दैट इज टू पार्टीज, किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कम से कम दो पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व होनी चाहिए, एक पार्टी वो जिसका जोखिम ट्रांसफर किया गया है और दूसरी पार्टी वो जिसने दूसरी पार्टी का जोखिम सहन करने का वादा किया है, जिसने जोखिम की सहन करने की जिम्मेदारी ली है, इनकी एक इंश्योरेंस करने वाला दूसरा इंश्योरेंस करवाने वाला, क्या बोलते हैं उसको हम,
इट देर आर मेनली टू पार्टीज या देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, क्लियर। सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन एटमोस्ट गुड फेथ, बेस्ड ऑन एटमोस्ट गुड फेथ। बेस्ड ऑन एटमोस्ट गुड फेथ होने का होता है कि इंश्योरेंस एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके अंतर्गत दोनों ही पार्टीज को सारी सच्चाई एक दूसरे के सामने रखनी चाहिए, कोई भी जरूरी बात एक दूसरे से छिपा कर नहीं रखनी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको कोई पहले से कोई बीमारी है और फिर भी ये बीमारी की बात को छुपा कर वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करता है, तो फ्यूचर में अगर कभी कंपनी को डिस्क्लोज होता है कि उन्होंने ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ से छुपाई है, तो आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो बेस्ड ऑन एटमोस्ट गुड फेथ होना करता है कि जो इंश्योर्ड है, जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस किया जा रहा है, उसे सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, इंफॉर्मेशन है, वो शेयर करनी चाहिए इंश्योरर के साथ, और इंश्योरर को भी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पहले से ही डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। किसके साथ? इंश्योर्ड पर्सन के साथ। उसे हम क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन एटमोस्ट गुड फेथ, क्लियर है। नेक्स्ट आता है बेटा फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क। इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो हमें प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस बेटा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसी भी प्रकार के जोखिम से। मान लो दुकान है, चोरी हो गई, या भूकंप वगैरह आ गया, बाढ़ आ गई, या शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, तो अलग अलग वजह से जो भी नुकसान होते हैं, इन अलग अलग जो भी जोखिम है, इनसे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो इंश्योरेंस के थ्रू भविष्य में होने वाले विभिन्न प्रकार के जोखिमों से अपने आप को हम बचा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ लॉस। इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है? एक पार्टी एक निश्चित रकम के बदले में अपना जो भी संभावित नुकसान है, उस संभावित नुकसान को ट्रांसफर कर देती है किसी दूसरी पार्टी के पास, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी के पास। क्या बोलते हैं उसको हम? ट्रांसफर ऑफ लॉस, क्लियर है। इसमें क्या होता है? इंश्योरेंस जो होता है वो भी कई टाइप के होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो होता है बेटा वो कई तरह का होता है। वैसे तो मेनली बाकी फिर भी जितने भी इंश्योरेंस होते हैं उन्हें हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का बीमा किया जाता है, जो काफ़ी लंबे अवधि का होता है, 10 साल, 5 साल, 20 साल तक का भी वो इंश्योरेंस होता है। एक होता है जनरल इंश्योरेंस, जिसमें सिर्फ आपका प्रोटेक्शन एलिमेंट होता है, नुकसान हुआ तो भरपाई होगी, नुकसान नहीं हुआ तो कोई भरपाई नहीं की जाएगी, कोई रकम नहीं दी जाएगी। इसकी समय अवधि सिर्फ 1 साल की होती है। ये ज़्यादातर निर्जीव चीज़ों की, जैसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी वगैरह है, आग वगैरह है, बाढ़ वगैरह है, इन वजहों से जो नुकसान होते हैं उसे हम किसके अंदर लेते हैं? जनरल इंश्योरेंस के अंदर, क्लियर है। इसके बाद क्या होता है? हैपनिंग ऑफ इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट करना क्या होता है कि बेटा वैसे क्या होता है कि जो भी इंश्योरेंस होता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी दुर्घटना होने की सूरत में उस नुकसान की भरपाई करना। अगर हमने किसी संपत्ति का बीमा करवाया है तो अगर उस संपत्ति को कोई नुकसान होगा तो ही क्लेम दिया जाता है, अगर उस संपत्ति के साथ कोई भी दुर्घटना घटित नहीं होती है, ऐसी सूरत में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको क्लेम वगैरह नहीं मिलता है, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है कि किसी दुर्घटना के होने पर ही, अगर कोई है इंसिडेंट है, कोई एक्सीडेंट है, वो हुआ है तो क्लेम मिलता है, अदरवाइज वो क्लेम नहीं मिलता। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? आपका जितने समय के लिए आपने पॉलिसी ली है, वो समय व्यतीत होने के बाद जो भी रकम आपने पे की थी वो रकम आपको विद क्लेम वापस मिल जाती है। क्लेम कह सकते हैं विद इंटरेस्ट जो है वो आपको वापस रकम मिल जाती है। इंश्योरेंस में कई बार एक फैक्टर और हम पढ़ लेते हैं, दैट इज सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट, या हम ये कह सकते हैं इसके अंदर प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। सेफ्टी भी कह सकते हैं या इसको प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं, सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट। बड़ा लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? अगर हम किसी कंपनी से जीवन बीमा करवाते हैं, उस केस में क्या होता है, एक निश्चित रकम हर निश्चित अंतराल में, एक
हम कह सकते हैं एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट हमें रेगुलरली पे करनी पड़ती है। जैसे हम कहते हैं LIC की पॉलिसी ले रखी है तो हर महीने या हर क्वार्टर में, क्वार्टर में कहते 3 मंथ में या हर हाफ ईयर के अंदर हमें एक फिक्स अमाउंट जो है वो कंपनी को पे करनी पड़ती है। जो भी हमारा टेन्योर ऑफ पॉलिसी है, पॉलिसी की ड्यूरेशन है 5 साल, 10 साल, 20 साल। उसके बाद क्या है, पॉलिसी ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद, चाहे पॉलिसी के दौरान किसी की डेथ हो या ना हो, पॉलिसी कंप्लीट होने तक भी अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो या ना हो, पॉलिसी पूरी होने के ऊपर क्या होता है, जो भी रकम हमने जमा कराई थी वो विद इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाती है। तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या है, जो पैसा हमने थोड़े थोड़ा जमा इकट्ठा किया वो काफ़ी बड़ी रकम के रूप में हमें वापस मिल गया। एक तो यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट भी है, और अगर पॉलिसी के दौरान हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, हमारी डेथ हो जाती, तो एक बड़ी एक निश्चित रकम जो है वो हमारे परिवार को मिल जाती है, जिससे हमारा परिवार अपने फाइनेंशियल जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सकता है। तो बेटा ये क्या होते हैं, दीज आर सम मेन फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। टिल देन गुड बाय।